बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम फरुख जुमेल एंड वर्किंग एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल। मैं आप सब स्टूडेंट्स को डीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। लेट्स मूव टूवर्ड्स आर टूडेज लेक्चर। इन आर टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर विच इज अबाउट फंक्शंस एंड limits. Basically, it is the 9th lecture of this series. In this lecture, we will discuss continuous and discontinuous functions, and we will solve question number 1, 2 and 3 of exercise number 1.4. So let's start our today's topic. First of all, we will discuss limits. हमने लिमिट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेफ्ट हैंड लिमिट, देन वी विल डिस्कस राइट हैंड लिमिट, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज मेंट बाय द लेफ्ट हैंड लिमिट? देखिएगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेट टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एल इफ f of x approaches L as x approaches to C from the values smaller than C. इसके 7th lecture के अंदर हम लोगों ने इसकी left hand limit और right hand limit को discuss की है। मैं इसको repeat करता हूँ। A function f of x is said to have left hand limit L. आपने उसको function जो है उसकी कोई limit आपके पास जो है left hand limit जो है वो आपके पास L रहती है। If f of x approaches to L, अगर f of x जो है वो l को अप्रोच करे as x approaches to c from the value smaller than c, तो आपने फोकस करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 2, तो आपने क्या करना है, जब आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो आप 2 से स्मॉलर वैल्यूज को जब आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन दैट विल बी नोन एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये जो आपके पास माइनस का साइन है इसके ऊपर, इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास क्या है, आप उस पॉइंट से छोटी वैल्यूज आप जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास क्या होगा, इसी डेफिनेशन को आप जो है वो रीराइट करते हैं। राइट हैंड लिमिट, a function f of x is said to have right hand limit L if f of x approaches L as x approaches to C from the values greater than C. वहां पे क्या था, left hand limit के अंदर आपके पास था we approaches x as x approaches to C from the values smaller than C. वहां पे आपने कौन सी वैल्यू चूज करते हैं, which are smaller than C. For example, अगर 2 आपने 2 पे उसकी लिमिट फाइंड कर दी है तो उसकी छोटी वैल्यूज लेंगे आप 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड वी कैन से दैट 1.99। लेकिन जब आपने उसकी राइट हैंड आपने उसकी लिमिट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप सी से उस पॉइंट से बड़ी वैल्यूज आप उसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सी आपके पास है, आप सी के का रोल आपके पास 2 प्ले कर रहे हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट 2.001, वी कैन सब्स्टिट्यूट 2.1, इस तरह यानी कि 2 से बड़ी वैल्यूज जो है वो आप उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ राइट हैंड लिमिट। और डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, जब आप इसको राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखिएगा, मैं इसको एक दफा रिपीट करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट को। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एल, कोई स्पेसिफिक नंबर है, कोई आपके पास रियल नंबर एल है, इफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एल as x approaches to c from the value smaller than c, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या करना है, वो वैल्यूज आपने पुट करनी है विच आर स्मॉलर देन c। और इसी डेफिनेशन को अगर आप राइट हैंड लिमिट के लिए आप इसको लिखे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अ फंक्शन f of x इज सेट टू हैव राइट हैंड लिमिट l इफ f of x approaches l as approaches to c from the values greater than c। अगर आपने यहाँ पे इसके क्या होगा, आपने C से उस स्पेसिफिक पॉइंट से बड़ी वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट वर्ड्स में आप क्या करेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर
आपने उस पॉइंट से छोटी वैल्यूज देनी है, और राइट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या करना है, उस स्पेसिफिक पॉइंट से या उस स्पेसिफिक रियल नंबर से आपने बड़ी वैल्यूज देनी है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव लिमिट एल इफ एक्स अप्रोचेस टू सी इफ बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। इट्स मीन, मैं इसको रिपीट करता हूं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी इफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। इसका मतलब है आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन उस वक्त एग्जिस्ट करेगी अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हो और उन दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या हो, सेम हो। अगर दोनों की आपके पास लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट तो कर रही हो लेकिन उनकी वैल्यू आपके पास जो है वो इक्वल ना हो तो आप कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज अ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बोथ प्रोड्यूस द सेम वैल्यू एल, देन वी कैन से दैट लिमिट x approaches to c f of x is equal to l, then हम लोग कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है और वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास स्पेसिफिक रियल नंबर l आपके पास आ गया। नाउ मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड the limit of the following functions when x approaches to c। आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to 2x square plus x minus 5, आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है at c is equal to 1। देखिएगा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मीन जैसे हम लोगों ने उसको पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन किया था, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट को डिफाइन किया था और उसके बाद अगर वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और उन दोनों की वैल्यूज इक्वल है देन हम उसको कहते हैं तब लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर देखिएगा आपने क्या कहा था, हमने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम लोग वो वैल्यूज इसकी जो है वो सब्सिट्यूट करते हैं विच इज स्मॉलर देन सी, या आपने एक्स अप्रोचेज टू सी फ्रॉम द वैल्यूज विच आर स्मॉलर देन सी। तो यहाँ पे आप इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था, वी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है वन के ऊपर और ये बार का साइन या माइनस का साइन जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका कोई पर्पज नहीं है। अच्छा जी, आप इसके अंदर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू पुट करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस 2x square plus x minus 5 आपके पास आ गया। अच्छा, जब आपने इसकी क्या करना है, एक तो पॉसिबल है कि आप इससे छोटी वैल्यूज, वन से छोटी वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 0.5, आप इसकी 0.6, 0.7 या एक, इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें, हम क्या करते हैं, हम x की जगह पे एक वैल्यू कंसिडर करते हैं विच इज स्मॉलर देन वन। देखिएगा हमने क्या किया, वी कंसिडर लेट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, कैसे, देन एच अप्रोचेज टू जीरो एज एक्स अप्रोचेज टू वन। आप इसको देखिएगा, एच की वैल्यू इंतहाई छोटी हम लोगों ने ली है कि आप जब एक्स की जगह पे अगर आप वन सब्सिट्यूट करें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एच विल बी इक्विवेलेंट टू जीरो आपके पास आ जाएगा। आपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, इसका मतलब है आपने वन से छोटी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, एच इज वेरी स्मॉल तो आपके पास वन माइनस एच जो है ये क्या आ जाएंगे, इट्स मीन ये वैल्यूज आपके पास वन से स्मॉलर आ जाएंगे। अब अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे आपके पास x है उसकी जगह पे आप क्या कर दें, आप वन माइनस एच सब्सिट्यूट कर दें एंड लिमिट क्या चेंज हो गई आपके पास, नाउ लिमिट चेंजेस एज एच अप्रोचेज टू जीरो, 2 इंटू वन माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एच माइनस 5, जहां जहां पे आपके पास x था उसकी जगह पे आपने क्या सब्सिट्यूट कर दिया है, 1 माइनस एच को सब्सिट्यूट कर दिया है। अब इसको 1 माइनस एच का स्क्वेयर जो है उसको एक्सपेंड करें, हमने ए माइनस बी का स्क्वेयर यूज करते हुए इसको एक्सपेंड किया है, अब 2 जो है वो इसके अंदर जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वी गेट लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो 2 माइनस 4 एच प्लस 2 एच स्क्वेयर
प्लस वन माइनस एच माइनस फाइव। अब जो लाइक वैल्यूज हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर आपके पास सिंगल है और कोई इस जैसी टर्म नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। माइनस फोर एच और माइनस एच आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एच हो जाएगा। और आपके पास वैल्यूज आ गई टू प्लस वन थ्री, माइनस फाइव वी गेट माइनस टू। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। हम तीनों फंक्शंस के ऊपर जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पे एच है उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, एच अप्रोचेस टू जीरो, वी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस टू आपके पास आ गया। मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखिएगा आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी। वी नो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेशन साइन। आपने क्या किया, लिमिट इसकी फाइंड करनी है एट सी इज इक्वल टू वन। हमने क्या किया है, हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इस नेगेटिव का पर्पस जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर दें। आपने उसके बाद एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, और हमने क्योंकि वन से छोटी वैल्यूज हमने पुट करनी है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आपने क्या किया है, आपने उसकी जगह पे वन माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया। एच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एज एच अप्रोचेस टू जीरो, एज एक्स अप्रोचेस टू वन। आप इस फंक्शन के अंदर जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर एक्स की जगह पे वन पुट करें, आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अच्छा, अब जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे आपने वन माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दें, उसका स्क्वेयर एक्सपेंड किया और जो भी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी आपने उसको अप्लाई की है, और एंड पे आपने क्या किया, उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, तो आपके पास उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो आपके पास उसकी आ गई है माइनस टू आ गई है। दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट। सेम स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यहाँ पे भी अडॉप्ट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगेन द पर्पज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन इज ओनली टू रिप्रेजेंट दैट वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या था, पहले आप इसके अंदर क्या करें, आप फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हमने फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विच इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव आपके पास आ गया। देन लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या किया था, आपने वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है विच आर स्मॉलर देन वन। लेकिन राइट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास क्या है, आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है विच आर ग्रेटर देन वन। सो यूजिंग द सेम टेक्निक वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच। अच्छा, वहां पे क्या था, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्योंकि आपको वन से छोटी वैल्यू चाहिए थी, आपने वन माइनस एच कर दिया था। यहाँ पे आपने क्या किया, वन प्लस एच कर दिया, वेयर एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। एज एच अप्रोचेस टू जीरो, एज एक्स अप्रोचेस टू वन। अगर एक्स की जगह पे आप वन रखें तो देखते आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। दैट वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। अब आपने क्या करना है, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, वन प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दें, और अब इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। a प्लस बी का स्क्वायर हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है। अब ये जो टू जो बाहर है ये आपके पास अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया टू प्लस फोर एच प्लस टू एच स्क्वायर प्लस वन प्लस एच माइनस फाइव, ये आपके पास आ गया। और अब इसके अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर दें। हमारे पास जो फंक्शन आता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू एच स्क्वायर प्लस फाइव एच माइनस टू। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट, एच की जगह पे आपने उसकी लिमिट अप्लाई कर दी एच अप्रोचेस टू जीरो, वी गेट द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस टू। अब गौर कीजिएगा, आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो भी आपके पास माइनस टू थी, और जो राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड की है उसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया, माइनस टू आ गया। इट्स मीन फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। So we can say that limit x approaches to 1 negative f of x, it is equal to limit x approaches to 1 positive f of x. Both the limits exist and are equal. That fulfills the definition of limit of a function. हमने कहा था कि अगर ये दोनों limit exist करें और आपके पास इन दोनों की values भी equal आए तो आपके पास function की value को कैसे लिखा जा सकते हैं, limit x approaches to 1 f of x. So the limit of the required function is minus 2. That was the first part of this question. Now we can write it as a limit x approaches to 1 f of x is equal to minus 2. That is the required answer. Now we will solve another question of the same type.
क्वेश्चन नंबर वन इट्स अनदर पार्ट डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी बेसिकली इट इज द सेकंड पार्ट यहाँ पे फंक्शन आपको जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अच्छा गौर कीजिएगा अगेन वही क्वेश्चन है आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या किया था हमने उसको तीन डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर दिया था फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट देन वी फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड इन द लास्ट अगर दोनों लिमिट आपके पास एग्जिस्ट की और आपके पास उन दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है देन आप कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट जी। उसी तरह उन्हीं लाइन पे इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री अगेन क्या पर्पज है जी इस माइनस का इसका मकसद सिर्फ ये है इट रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट हैंड लिमिट इसका मतलब है हमने क्या करना है हमने माइनस थ्री से छोटी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ विच इज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री आपके पास आ गया है। उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको लेट करें लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एच आपने माइनस थ्री से छोटी वैल्यूज इसके अंदर जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने यूज कर दी है एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री एक्स की जगह पे आप इसकी जगह पे माइनस थ्री रख के देखें एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जीरो आपके पास आ जाएगी। तो लेट हमने क्या लेट किया जी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एच तो ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां पे आपके पास एक्स है उसकी जगह पे आप माइनस थ्री माइनस एच सब्सिट्यूट कर दें माइनस थ्री माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस और नीचे एक्स की जगह पे माइनस थ्री माइनस एच आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें सिंपली वी कैन राइट इट एज अ नाइन प्लस सिक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस नाइन। अगर ये स्टेप आपको यहाँ पे कंफ्यूज करता है तो आप क्या करें पहले इन दोनों नंबर्स में से माइनस वन को कॉमन ले लें ऑब्वियसली उसका माइनस वन का भी स्क्वायर आएगा वो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा और इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव पॉजिटिव टर्म्स वी गेट थ्री प्लस एच का होल स्क्वायर उसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हुए माइनस नाइन एज इट इज आ गया है और इसको सिंप्लीफाई करें एच स्क्वायर एज इट इज आपके पास आ गया है नाइन से नाइन कट हो गया आपके पास वी गेट सिक्स एच प्लस एच स्क्वायर नीचे आपके पास आ गया डिनोमिनेटर के अंदर माइनस एच माइनस सिक्स आ गया। देखिएगा अब इसके अंदर लिमिट्स सब्सिट्यूट करके देखें कोई अगर कोई और सिंप्लीफिकेशन पहले चेक करें अगर ऊपर से एच कॉमन ले लें तो कोई फायदा नहीं बनता है क्योंकि नीचे एच कॉमन नहीं निकलता ये डिवाइड नहीं होगा सो डायरेक्टली सब्सिट्यूट द लिमिट आपके पास क्या आ जाएगा जहाँ जहाँ पे एच था उसकी जगह पे आपने जीरो सब्सिट्यूट कर दिया वी गेट जीरो ओवर माइनस सिक्स विच इज इक्विवेलेंट टू जीरो इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है वो जीरो आ गई है। सो वी लेबल इट एज इक्वेशन नंबर वन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो इसको याद रखिएगा। नाउ वी विल फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करना है जी आपने मैं फंक्शन को एक दफा दोबारा लिख दी है राइट हैंड लिमिट के अंदर अगेन वी रिप्रेजेंटेड क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो हमने वो वाली वैल्यूज रखनी है विच आर ग्रेटर देन माइनस थ्री तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया आपने उसको पॉजिटिव से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट की है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पे इसको लेट करें लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एच क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है माइनस थ्री से बड़ी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है तो आपने इसको माइनस थ्री प्लस एच सब्सिट्यूट कर दिया देन एच अप्रोचेज टू जीरो एज एक्स अप्रोचेज टू माइनस थ्री एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखें एच की वैल्यू आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी जीरो प्रोड्यूस हो जाएगी जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे माइनस थ्री प्लस एच सब्सिट्यूट करें आपने एक्स की जगह पे माइनस थ्री प्लस एच सब्सिट्यूट कर दिया है यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आपने अप्लाई कर दिया है ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं वी गेट नाइन माइनस सिक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस नाइन अगेन यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर नाइन से नाइन आपके पास कट हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर वो जो जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उसको अप्लाई करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड माइनस सिक्स एच प्लस एच स्क्वायर ओवर एच माइनस सिक्स इसको देखिएगा कोई और कोई सिंप्लीफिकेशन होती है या नहीं अगर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो आप इसके अंदर डायरेक्ट इसकी लिमिट सब्सिट्यूट करें हमने एच की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी विच इज जीरो
तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ओवर माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। दैट वॉज आवर राइट हैंड लिमिट, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 से लेबल कर दी है। तो अगर आपको याद हो जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी आपके पास 0 थी, अब राइट हैंड लिमिट भी इसकी जो आपके पास आई है वो 0 आई है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ प्रोड्यूसेस द सेम आंसर विच इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एग्जिस्ट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 0, और उसका आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आती है जी, 0 आती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग थे। अब हम लोग मूव करते हैं द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन, उसी की बेस पे हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन, अच्छा कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा बाद में इसलिए इसको लिखा है बिकॉज अगर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की आपको डेफिनेशन क्लियर है और आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपको क्लियर है, देन वी कैन से दैट कंटिन्यूस फंक्शन विल बी क्लियर टू यू। व्हाट इज मेंट बाय द कंटिन्यूस फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस। एक फंक्शन को आप उस वक्त कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो इसकी हमारी रिक्वायर्ड तीन कंडीशंस को फुलफिल करे, एट x इज इक्वल टू c एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, ये भी पॉसिबल है कुछ एक फंक्शन कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूस हो कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो डिसकंटिन्यूस हो। सो अ फंक्शन f ऑफ x इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c इफ द फर्स्ट कंडीशन f ऑफ c इज डिफाइंड, मीन्स जिस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन को चेक करना है कि वो आपके पास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, आपने उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई जीरो ओवर जीरो फॉर्म या इस टाइप की कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, और वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, इसका मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वही आपके पास कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उन दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। लास्ट पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द डिफाइंड वैल्यू, वी कैन से दैट अगर आपके पास ये तीनों, आपके पास ये फर्स्ट वाली दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल है, देखिएगा ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द डिफाइंड वैल्यू, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। मैं इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें जो बताया जाएगा उस पे आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर वो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन आपके पास डिफाइन है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिटरली एक फंक्शन लेता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1, मैंने अपनी तरफ से कोई फंक्शन कंसिडर किया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1। अच्छा अब इसको देखिएगा, अगर मैं इसकी लिमिट चेक करता हूँ 1 के ऊपर एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, पहले आप इसकी डिफाइंड वैल्यू चेक करें, जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप 1 पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस 0, 1 ओवर 0 तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है फंक्शन उसकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो बाकी जो कंडीशन है उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। सेकेंड कंडीशन क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा, इफ बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल देन वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। एंड इन द लास्ट फर्स्ट और सेकंड आपके पास दोनों की, आपके पास जो कंडीशन है दोनों की अगर आपके पास वैल्यूज इक्वल है देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। इन तीनों में से अगर कोई एक सिंगल कंडीशन भी आपके पास फुलफिल नहीं होती
देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन. आपके पास वो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा. नाउ मूव टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन. एक्सरसाइज नंबर 1.4. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी. फंक्शन आपको जो डिफाइंड किया गया है वो आपके पास इस टाइप का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5 if x is equal to less than equal to 2 and 4x plus 1 if x is greater than 2 at c is equal to 2. अच्छा, अब फंक्शन के ऊपर गौर कीजिएगा. आपने फंक्शन को दो पोर्शन में डिवाइड किए, फर्स्ट 2 से छोटी वैल्यूज और 2 के इक्वल जहां जहां पे आपके पास वैल्यूज आएंगी वहां पे फंक्शन की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे? 2x plus 5. और जहां पे 2 से x की वैल्यूज 2 से ग्रेटर होंगी वहां पे आप क्या यूज करेंगे? 4x plus 1 की वैल्यू को यूज करेंगे. जी, अब इसकी इसकी कंटिन्यूटी को हम लोगों ने डिस्कस करना है एट पॉइंट c इज इक्वल टू 2 के ऊपर. सो उसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसी तरह उसकी जो तीनों कंडीशंस हैं उनको हम लोग चेक करेंगे कि क्या उनको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. सो मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट कंडीशन. वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कहाँ पे आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है कि एट सी इज इक्वल टू 2. इट्स मीन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 2 फाइंड करने. एफ ऑफ 2 मीन्स द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2. अच्छा, आप गौर कीजिएगा एक्स इज इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन आप रखेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि सेकेंड फंक्शन जो आपके पास है इट इज फॉर ग्रेटर देन 2. सो जहां जहां पे f ऑफ x के अंदर आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2 सब्स्टिट्यूट करें. यहां पे 2x plus 5 है तो आपने f ऑफ 2 फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 into 2 plus 5 आपके पास आ जाएगा. वी गेट 9. इट्स मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट. फंक्शन इज डिफाइंड एट c इज इक्वल टू 2. इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपके पास सेटिस्फाई हो रही है. अब सेकेंड कंडीशन के अंदर आपने इसकी इसको चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. तो उसके लिए क्या है, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. इफ बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल देन वी कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट. लिमिट ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट. अगेन वी हैव टू फाइंड इट्स लिमिट एट 2. सो वी राइट इट एज अ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स. इसका क्या मतलब है जी? ये माइनस का मतलब है जस्ट आपने फंक्शन से क्या इसका पर्पज था, आपने 2 से छोटी वैल्यूज रखनी है. आप इसको देखें यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे अब दो फंक्शन है, आपने यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखना है, 2x plus 5 या 4x plus 1? पहले इसको डिसाइड करें कौन सा आप फंक्शन रखेंगे. हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखेंगे जिसके अंदर आपके पास 2 से छोटी वैल्यूज हों. तो गौर कीजिएगा इन दोनों के ऊपर कौन सी कंडीशन इसको जस्टिफाई कर रही है. सेकेंड जो है इट इज़ फॉर ओनली x इज ग्रेटर देन 2. हमारी जो कंडीशन है वो फर्स्ट वाला फंक्शन उसको सब्सिट्यूट कर जाए तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे 2x plus 5. अब x की जगह पे आप उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें, वी गेट 2 into 2 plus 5. वी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9. अच्छा, अब गौर कीजिएगा यहाँ ऊपर आपके पास नेगेटिव साइन था, नीचे आपके पास साइन नहीं था. तो इसका पर्पज सिर्फ यही था कि नेगेटिव साइन जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को. तो जब आप फंक्शन डिसाइड कर दें कि कौन सा फंक्शन आपके पास इसकी जगह पे यूज होगा तो आप इसको इसकी जो नेगेटिव साइन है उसको खत्म कर सकते हैं. नाउ वी विल फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट. अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव रिप्रेजेंट दैट वी आर फाइंडिंग द राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स. अच्छा, आप इसको देखिएगा. अब 2 आपके पास पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है आपने फंक्शन वो वाला लेना है जहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो है वो 2 से ग्रेटर आपके पास हों. तो वो वहाँ पे 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए आपके पास जो फंक्शन था डेट वाज 4x plus 1. आपने जब फंक्शन को सब्सिट्यूट कर दी, उसकी वैल्यू डिसाइड कर ली, आपने उसकी जगह पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो भी था उसको आपने रिमूव कर दिया. अब इसकी लिमिट सब्सिट्यूट करें विच इज इक्वल टू 4 into 2 plus 1. वी गेट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9. अब गौर कीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास 9 थी और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास 9 है. इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. इसका मतलब है इसकी जो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 9 है.
वी कैन से डैट दस लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज टू टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज 9। ये आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था इसकी जो कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन थी कि आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, उसके आपके पास इक्वल होना चाहिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। इसको मैंने इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि देखिएगा आपके पास जो एफ ऑफ टू की वैल्यू थी डेट वॉज 9 एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फंक्शन इज ऑल्सो 9। तो ये इसकी तीनों वैल्यूज को, जो तीनों कंडीशंस को जो है वो फंक्शन फुलफिल कर दे, इसका मतलब है वी कैन से डेट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी इज इक्वल टू टू। नाउ मूव टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल अगेन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन कंसिडर करें, फंक्शन अब देखिएगा यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, कौन कौन सी वैल्यू के ऊपर है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 देन एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन +2 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पर डिस्कस करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर। तो आपने आप गौर कीजिएगा ये तीन पोर्शन में आपके पास फंक्शन डिवाइडेड है, आप -2 जिस जिस के अंदर इन्वॉल्व है आपने सिर्फ उसके ऊपर फंक्शन को आपने डिस्कस करना है। मींस एफ ऑफ वी कैन से डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। ये फर्स्ट वाले जो टू फंक्शन हैं इनको आपने गौर करना है, और जो लास्ट वाले टू फंक्शन है दे एग्जिस्ट ओनली फॉर +2। तो हम लोग पहले उसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -2 और नॉट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ -2 आपने फाइंड करनी है, एफ ऑफ -2 देखिएगा फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, वो फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर है। तो आपके पास एफ ऑफ जो टू -2 आ जाएगा वो आप इस फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करें, 3 × -2 वी गेट -6। इसका मतलब है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वी कैन से डैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज डिफाइंड, इट्स मीन इट इज नॉट अनडिफाइंड, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 नेगेटिव साइन इज ऑनली फॉर शोइंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, अब वो वाली वैल्यूज हम लोगों ने रखनी है विच आर स्मॉलर देन -2। ये कौन सी वैल्यूज हैं विच आर स्मॉलर देन -2, गौर कीजिएगा ये फर्स्ट आपके पास जो फंक्शन है ये किसके लिए है, द वैल्यूज विच आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन -2। तो आपने अब इसको डिसाइड हो गया कि फर्स्ट फंक्शन आएगा, आप इसकी जगह पे उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें एफ ऑफ एक्स की विच इज 3x, और आपने यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन खत्म कर दिया बिकॉज फंक्शन इज डिसाइडेड। अब इसके अंदर इसकी लिमिट पुट करें, वी गेट -6 एज आंसर, इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -6 आपके पास आ गया। नाउ वी विल फाइंड इट्स राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इस टू प्लस टू का क्या पर्पज था, ओनली टू डिसाइड द फंक्शन, इसकी सेकेंड फंक्शन आप इसके अंदर सब्सिट्यूट करें, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा प्लस का साइन था उसको आपने नीचे आकर रिमूव कर दिया बिकॉज द फंक्शन इज डिसाइडेड। तो अब आप इसके अंदर इसकी लिमिटिंग वैल्यू सब्सिट्यूट करें, एक्स की जगह पे आपने -2 सब्सिट्यूट कर दिए, और सिंप्लीफाई कीजिएगा जी इसे, आपके पास आ गया 4 - 1 आपके पास आ गया, इट्स मीन इसकी जो राइट हैंड लिमिट आ गई वो आपके पास 3 आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी दैट वाज -6, और जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आपके पास 3 आई है, इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, इट्स मीन द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये जो कंटिन्यूटी की जो तीन कंडीशन थी उसमें से जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। इस हमने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट,
इट्स मीन इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। फंक्शन माइनस टू के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, इसका एक पार्ट है उसके अंदर आपने इसी फंक्शन को देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू टू के ऊपर आपने चेक करना है, वो मैं एज असाइनमेंट आप लोगों के लिए छोड़ा है, उसको देखिएगा कि क्या उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सो इस क्वेश्चन की टाइप के अंदर एक हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया जिसके अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा चूज किया था जिसके अंदर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। उम्मीद है कि आपको इन दो आज के दोनों टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नाउ मूव टूवर्ड्स द असाइनमेंट, इजी से पार्ट आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट मैंने रखे हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन के आपने दोनों पार्ट्स उसके सॉल्व किए थे, तो अब आपने उसका जस्ट थर्ड पार्ट आपने उसका सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पार्ट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री उसका फर्स्ट पार्ट आपने इस तरह इनको सॉल्व करना है। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टू डेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।